हमारा थर्ड फ्लोर हो गया। देखिए ये थर्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो फर्स्ट पे क्या करना है, अगर मान लीजिए एक टैंक से हम 1 इंच का पाइप पूरा लेके आ रहे हैं, ठीक है, 1 इंच का अगर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से टॉयलेट के अंदर पाइप फिटिंग के लिए तो पौना करेंगे ही। अभी देखिए यहाँ 3-4 का हो गया प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे लगाना है पाइप, ये सेकंड फ्लोर पे भी वाटर सप्लाई पहुंचाना है इसी एक पाइप से, तो क्या इसमें 1 बाई 1 कटी लगा के एक से ही करेंगे? नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकंड फ्लोर पे हमको ले जाना है, तो क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पे एक अगर यहाँ भी लगा दिए तो एक यहाँ भी लगा दिए, तो पानी का प्रेशर किधर होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, तो यहाँ नहीं जाएगा पानी, सीधा नीचे जाएगा, ना यहाँ बहेगा ना यहाँ बहेगा, वो पूरा पानी नीचे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, नीचे का अगर पानी अगर बंद कर दिया जाए पूरा, तब वो यहाँ फ्लो होगा, ठीक है, फिर इस फ्लोर का बंद करेंगे तब वो जो है थर्ड फ्लोर पे फ्लो होगा। तो इस तरह से नहीं करना। अब आपको क्या करना है, इसमें प्रेशर मेंटेन करना है कि एक अगर ये टोलिए वाले सबसे नीचे वाला अगर टैप को खोल दे तो इसमें कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए उसमें क्या करना है, सब जो भी है, जो भी कमाल है सब पाइप का ही है, पाइप का है। तो अब देखिए पाइप को क्या करना है आपको, अभी मान लीजिए हमको 1 इंच का पाइप है, एक ही पाइप है, तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसमें जो ये जो यहाँ पे पाइप है, ये जो सबसे नीचे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ये तीसरा दूसरा पहला, तो क्या करेंगे, जो सबसे नीचे तक आ रहा है हमारा फर्स्ट फ्लोर तक, इस पाइप के गेज को मोटा कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर मान लीजिए इसको मोटा कर देते हैं, 3 इंच का लगा दीजिए, अगर 3 इंच का लगा दें तब तो ये आराम से बढ़ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक इंच का इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है प्रेशर में, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है, अगर मान लीजिए 1 इंच का ही पाइप है, कई बार ऐसे ही कई ऐसी जगह है जहाँ पे मोटा पाइप 3 इंच पाइप नहीं अवेलेबल है, तो 1 इंच का ही अगर पाइप है, तो 1 इंच के पाइप से हम कैसे इसको मेंटेन करेंगे प्रेशर को, कि हमारा प्रेशर जो है कम ना हो फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो देखिए अब 1 इंच का पाइप आ रहा है, हमको यहाँ भी ले जाना है, यहाँ भी ले जाना है, यहाँ भी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फ्लोर पे 1 इंच से ही हमको सप्लाई, 1 ही इंच हमारा आउटपुट है, उसी से हमको कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो सबसे नीचे वाला है फ्रेंड्स, तो इसको जो हम यहीं से रिड्यूस करेंगे, ठीक है, अब पूरे टॉयलेट को हम पौना से ही रिड्यूस वायरिंग करेंगे फ्रेंड्स, सॉरी पूरे टॉयलेट को जो है हम 3-4 के 1/4 इंच के पाइप से ही यहाँ से हम रिड्यूस कर देंगे इसको। देखिए अभी यहां से हम रिड्यूस कर लिए इसको 3-4, ये 3-4 रिड्यूस हो गया हमारा, ठीक है। अभी यहाँ 1 इंच का पाइप था, यहाँ से रिड्यूस कर लिए हम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे इधर हम रिड्यूसिंग करते जाएंगे तो इधर यहाँ बहना शुरू हो जाएगा, यहाँ बहना शुरू होगा और यहाँ भी बहना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, अगर धीरे धीरे अगर बंद कर देते हैं तो यहाँ भी बहना शुरू हो जाएगा। इसको अब खोल दिए हम, ठीक है। जैसे जितना ज्यादा हम रिड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा रिड्यूस करेंगे उतना ही जो है पानी फ्लो इधर होगा, रिड्यूसिंग कम करेंगे तो पानी का फोर्स नीचे की तरफ आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम पौना कर देंगे तो हमारा जो प्रेशर होगा, या इसका प्रेशर, इसका और इसका सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसका उसका सेम हो जाएगा, हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 1 इंच है, 1 इंच यहाँ भी है और यहाँ भी 3-4 है। आप क्या करेंगे, यहाँ अगर 3-4 लगाएंगे फ्रेंड्स तो जो है रिड्यूस नहीं होगा, 3-4 अगर लगा देंगे तो पानी का फोर्स नीचे देखेगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। अभी इधर पानी का बहाव कम कर दिया हम, यहाँ पे बहाव को ज्यादा कर दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब जो है पानी का फोर्स इधर आएगा। अब क्या करना है, अब जो ये हमारा हाँ थर्ड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर का बताया, फर्स्ट का बताया, अब ये जो थर्ड और थर्ड फ्लोर वाला है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, तो इसको 1 इंच ही रखना है, ये 1 इंच ही रखना है, 1 बाई 1 का ही रखना है, ठीक है। इसको 1 बाई 1/4 कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको जो है 1 बाई 1/4 का अब 1/4 से भी जो है इसको थोड़ा ज्यादा रखना है। अभी मान लीजिए ये 1 इंच का हो गया फ्रेंड, ठीक है, 1 इंच का, 1 इंच का, ये 1 इंच का हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 1 इंच में 25 mm होता है, मान लीजिए 25 mm का हो गया फ्रेंड, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 20 mm कर लेंगे, 20 mm कर लेंगे, और ये वाला जो हमारा 1/4 था तो 1/4 इसको 15 mm कर लेंगे फ्रेंड, ठीक है, 15 mm। तो अब क्या होगा, देखिए ये 1/4, ये 15 mm है, 20 mm है, 25 mm है,
15 20 25 mm। अब इस ये अगर इस डायरेक्शन में एक ही पाइप है हमारे पास, ठीक है, हमारे घर में टंकी से नहीं, जब टॉयलेट में उतारते हैं, अगर एक ही पाइप है 1 इंच का, तो हमको 3 फ्लोर में उसी पाइप से कनेक्ट करना है और प्रेशर मेंटेन करना है, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में लगाएंगे। जो सबसे नीचे वाला आ रहा है उसको, जहां से वो एकदम मतलब यानी कि पहले फ्लोर पहुंच रहा है, वहीं से इसको रिड्यूसिंग कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे 15 mm के पाइप से, ठीक है, तो वो कवर हो जाएगा नीचे वाला। और जो सेकेंड फ्लोर है उसको इससे थोड़ा मोटा रखेंगे 20, और जो सबसे ऊपर वाला है उसको इससे भी ज्यादा मोटा रखेंगे 25 mm 25 mm। अब अगर आप कहेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ रिड्यूस करेंगे तो आपको ये पानी कहीं नहीं मिलेगा, नीचे चला जाएगा, इस फ्लोर पे चला जाएगा। और एक तरीका और है फ्रेंड्स, अगर आपके पास पाइप लगाना चाहते हैं पास 6 प्रेशर के लिए, तो क्या करेंगे, सबका सेपरेट कनेक्शन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सेपरेट कनेक्शन मैं बता देता हूँ सेपरेट क्या हुआ। अभी सेपरेट कनेक्शन के लिए फ्रेंड्स ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर, सॉरी हम इसको थर्ड पकड़ते हैं, ठीक है, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और ये मेरा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है फिर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ये अलग अलग कनेक्शन ले जाएंगे, सेपरेट कनेक्शन। तो अब इस अगर भले ही हम अगर सेपरेट कनेक्शन ले जाएं, अगर अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का अगर अलग कनेक्शन ले जाएंगे टंकी में कनेक्ट करने के लिए, लेकिन तो उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेशर जो होगा, अगर सेम पाइप लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेम पाइप को लगाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रेशर सब नीचे वाले में आएगा, क्योंकि कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, जितने ऊपर से गिराएंगे उतने ही तेजी से सबसे ज्यादा नीचे आता है फ्रेंड्स। तो पानी का जो बहाव होता है ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जितना ही जो है जो टैंक जितना ऊपर लेके जाएंगे और टैंक को जितना नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसमें प्रेशर बढ़ता है, टंकी जितना ऊपर जाएगा उतना ही प्रेशर आएगा। तो अगर मान लीजिए 1 इंच का पाइप है, 1 इंच ये भी लगा दिया, 1 इंच इसको भी लगा दिया, 1 इंच इसको भी लगा दिया, तो क्या आप बताइए तीनों का प्रेशर एक समान होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड का कभी नहीं होगा, सब में जो है अंतर होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर जो थर्ड वाला है सबसे ऊपर वाला इसका सबसे कम होगा। अब ये तीनों भी मेंटेन करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना है, अगर फ्रेंड मान लीजिए ये इसको हमने 1 इंच पाइप से लगाया, ठीक है, 25 mm के पाइप से, मान लीजिए 25 mm है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये अब देखिए ये भी मैं सेपरेट दिखा रहा हूँ, सेपरेट है, देखिए इससे अटैच नहीं है, ये टैंक में डायरेक्ट लेके गया हूँ, ठीक है, तो इसको कर लेंगे फ्रेंड्स, ये 25 है तो इसको 35 mm कर देंगे, ठीक है, 35 mm हो गया। अब इसको भी देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ, पहला भी सेपरेट कर दिया, दूसरा भी सेपरेट कर दिया, तीसरा भी सेपरेट कर दिया, तो जो तीसरा वाला है इसको कर लेंगे फ्रेंड्स 45 mm। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में तीनों का प्रेशर एक समान आएगा, क्यों आएगा, देखिए सबसे ज्यादा फोर्स के साथ पानी नीचे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर तेजी से बहाव यहाँ आ रहा है तो यहाँ पतला पाइप भी लगा देंगे तो ये इसके इसका सामना कर लेगा, ठीक है। अब इससे ये 35 mm है, तो इससे भी जो सबसे ऊपर वाला है वहां सबसे लो प्रेशर है, तो हमने मोटा पाइप लगाया है ताकि जो मोटा पाइप है वाटर रेसिस्टेंस को तेजी से ढकेले, ठीक है, इसलिए यहाँ मोटा पाइप लगाया गया है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो अब लगभग जो है पहला दूसरा तीसरा तीनों का प्रेशर एक समान रहेगा, ठीक है, यही था, यही बताया मैं आपको। तो दोस्तों जो पाइप हम लाते हैं टॉयलेट में बाथरूम में, उसको जो है नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, कभी नहीं उठाना है, अगर मान लीजिए गीजर को हमको देना है, देखिए अब मैं देखा आपने इसमें मैं बताया कैसे कनेक्ट करना है प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जानकारी के लिए, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, धन्यवाद।